नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा रोड स्टेशन के बगल में स्थित शांति शॉपिंग सेंटर में। यहाँ पर स्कूली और कॉलेज के छात्र ट्यूशन लेने आते हैं, अपना भविष्य बनाने की सोचते हैं। वहीं पर यहाँ पर लॉजिंग एंड बोर्डिंग वैश्या व्यवसाय का कारोबार किया जाता है। जिस तरीके से आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं, एक ट्यूशन है और जस्ट उसके बगल में है एक लॉजिंग एंड बोर्डिंग। शांति शॉपिंग सेंटर के मनपा मंजूरी प्लान में फेरफार करके अवैध रूप से छोटे छोटे रूम बना के लॉजिंग एंड बोर्डिंग का कारोबार किया जाता है, जहां पर अवैध रूप से अवैध गतिविधियों का अंजाम दिया जा रहा है। फर्स्ट फ्लोर से आने के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई है, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर हर एक लॉजिंग एंड बोर्डिंग वालों ने एक व्यक्ति को खड़ा कर रखा है, जो 24 घंटे वहां पर खड़ा रहता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड फैशन टेक्नोलॉजी की ओनर। उनसे बात करते हैं कि क्या क्या तकलीफ़ें सहनी पड़ रही है उनको यहाँ पे जो लॉजिंग एंड बोर्डिंग मौजूद है इनके क्लासेस से जस्ट बगल में। हमारे क्लासेस के दोनों ही साइड में लॉजिंग एंड बोर्डिंग है और इनके जो लोग यहाँ ठहरते हैं वो कंटिन्यू अंडरवियर में घूमते रहते हैं। कई बार मैंने कंप्लेन किया उनको, और जब भी आप आओ तो देखो सीढ़ी के पास अच्छे खासे क्राउड रहते हैं, सब सिगरेट पीते रहते हैं। उनको हर बार मुझे बोलना पड़ता है कि प्लीज़ आप लोग साइड में रहिए, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं। हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज़ आते हैं जो इनको देखकर हमारे यहाँ से वापस चले जाते हैं कि यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है और हमारे यहाँ एडमिशन्स नहीं होते हैं। मैं कई बार बहस कर चुकी हूँ इन लोगों से कि आप प्लीज़ अपने अपने जो आपके जिनको भी रखते हो उनसे आप पैसे ले रहे हो तो उनको समझाओ कि आपका एरिया कहाँ तक है। तो ये लोग बाहर निकल निकल के सिगरेट पीते हैं, बाहर निकल के अंडरवियर में घूमते रहते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि ये ऑफिस एरिया है, और ये इस तरह से चलते रहते हैं और अच्छा खासा बहस करते हैं। ये पूरा जो आप फ्लोर देख रहे हो ना, इसकी क्लीनिंग मैं करवाती हूँ। मतलब उन लोग की ही चीज़ों को मैंने कि अपनी चीज़ें अपने डस्टबिन अपने पास रखो। अभी भी देखो उनका डोरमैट हमारे रेलिंग के ऊपर है, उनका जो डोरमैट है वो हमारे रेलिंग पे है। जिस दिन मैं उनको चिल्लाऊंगी कि अपना डोरमैट हटाओ तभी वो हटाएंगे। मेरे डस्टबिन के अंदर उनके जो भी ड्रिंक करते थे वो ड्रिंक पड़ा रहता था। अब ये लोग क्या बोलते हैं, हमारा आदमी ड्रिंक नहीं कर रहा है, रात को चर्सी घूमते हैं वो ड्रिंक करते हैं। पर मैं तो देखने नहीं आ रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ यहाँ पे, मुझे आपका आदमी सिगरेट पीता हुआ दिख रहा है, सिगरेट के टुकड़े हुआ करते थे। आप सोचो कि जब लड़कियाँ यहाँ पे पढ़ने आती हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं इंक्वायरीज़ के लिए, तो वो ऐसे इन्वायरमेंट को देख के कैसे एडमिशन करवाएंगे अपनी बेटियों का। जैसे कि यहाँ पे एक एजुकेशन सेंटर्स बहुत सारे हैं, और यहाँ तक कि जैसे कि मैं आप देख के आई हूँ अभी तक पूरे शॉपिंग सेंटर के अंदर 80% तक ट्यूशन क्लासेस जेरोक्स सेंटर्स वगैरह है। ये कहाँ तक सही है कि एजुकेशनल बेस जहाँ पे है वहीं पे लॉजिंग एंड बोर्डिंग का कारोबार चलाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत करते हैं ये लोग। लेकिन अभी इस साइड आप देखें कि लगे हाँ दो है, जस्ट पास पास दो है, तो वो मेरे ऑनर खुद साथ में आकर इनको बोले कि आप अपने लोगों को समझाओ, क्योंकि ये जो बीच का एरिया था ना उनका अड्डा बन गया था, वहाँ पे वो चेयर लगा के बैठने लग गए थे, सारे बैठे हुए हैं। आप सोचो कि जब लड़कियां आती हैं और फैशन इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे ऐसी तो कोई लड़कियां नहीं आती होंगी जो बहनजी टाइप होंगी, तो वो कैसे इंटर करेंगी? और लड़कियों को आप ऐसे देखे चले जा रहे हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस किया है मैंने यहाँ पे, तो मैं चूँकि स्ट्रॉन्ग रही हूँ अपने स्टूडेंट को लेके, बहुत सारी चीज़ें, बहुत पहले की बात है जो एक लॉजिंग वाले मेरी स्टूडेंट से उसका फ़ोन नंबर मांगा था, तो मैं जाके बोली थी मेरा फ़ोन नंबर बोर्ड पे लगा हुआ है, मुझे कॉल करो, मैं रात भर फ्री बैठी रहती हूँ, स्टूडेंट को क्यों डिस्टर्ब करते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। और तो जिस तरीके से आपने सुना कि लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं और इन्होंने ये तक बताया लॉजिंग एंड बोर्डिंग में जो लोग रहने के लिए आते हैं वो इनके स्टूडेंट से उन्होंने ऐसा तक कह दिया कि नंबर दे दो तुम्हारा, लड़कियाँ यहाँ पे आना बंद कर रही हैं, ऐसा इनका कहना है। और जैसे कि बता दें लॉजिंग एंड बोर्डिंग इनके दोनों साइड पे है और जहाँ से एंटर करते हैं दोनों सीढ़ियों के बगल से है, लड़कियाँ इनसिक्योर हो जाती है, इनके एडमिशन्स नहीं हो पाती है। इतनी सारी तकलीफ़ों के बाद भी ये लॉजिंग एंड बोर्डिंग पे वैश्या व्यवसाय और बड़े पैमाने में अवैध गतिविधियों का अंजाम दिया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शांति शॉपिंग सेंटर के सेकंड फ्लोर पे। जिस तरीके से आप पीछे मेरे देख सकते हैं, मीरा मनी लॉजिंग एंड बोर्डिंग मौजूद है, और जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि एक बोर्ड लगाया हुआ है जिससे कि लोगों को पता ना चले कि यहाँ पे लॉजिंग एंड बोर्डिंग है, बस उन्हीं को पता चलता है जो यहाँ पर आते जाते रहते हैं। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।